गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु। चलिए भाई, तो आज का जो हमारा विषय है जिस पर हमको चर्चा करनी है वो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस को लेकर के। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कंप्यूटर साइंस का जो बीएससी है आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। अभी पिछले 2 सालों से जो सिलेबस है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का वो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अच्छा सिलेबस है। अच्छा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे आपके आने वाले नेट जेआरएफ के एग्जाम को लेकर के हो, चाहे गेट के एग्जाम को लेकर के हो, सिलेबस में सारी चीजों को समाहित किया गया है जो कि आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर हम बात करें अभी तक पिछले 2 साल के पहले जो एग्जाम था, वो जो एग्जाम का सिलेबस था उसमें समस्याएं थी। उसमें जो है आपके ऊप्स के कॉन्सेप्ट को, डीबीएमएस का कॉन्सेप्ट तो हुआ करता था, लेकिन जो बहुत ही जरूरी चीजें जो क्वेरीज होती थी उस पर फोकस नहीं किया गया था सिलेबस पे। वैसे भी पिछले भी समय का सिलेबस बहुत अच्छा था, सराहनीय था, ऐसा नहीं कह सकते, उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी जो सिलेबस था वो सिलेबस बहुत ही बेहतर था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पिछले जो सिलेबस हुआ करते थे वो अधिकतर सारे सिलेबस आपके थ्योरेटिकल हुआ करते थे, सारा पोर्शन आपका थ्योरेटिकल था। लेकिन जो अब का सिलेबस है ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस, अभी मैं आगे चर्चा करूंगा, सारा का सारा सिलेबस आपका पूरी तरह से प्रैक्टिकल बेस्ड है। और यार कंप्यूटर साइंस जो है वो प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल इम्पॉर्टेंट है, ना कि थ्योरी। तो प्रैक्टिकल, इसका अगर हम प्रैक्टिकल टर्म में देखें तो सारे सब्जेक्ट, जितने के जितने सब्जेक्ट हैं, सबके सब जो है थ्योरी पोर्शन बहुत ही कम है, और जितना भी आपका टॉपिक है सारा प्रैक्टिकल ज़्यादा है और थ्योरी पोर्शन को बहुत ही मिनिमाइज करा गया है। इसके पहले का जो सिलेबस था उसमें न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स हुआ करता था, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हुआ करता था, डीबीएमएस हुआ करता था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हुआ करता था, जो कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट लास्ट ईयर के जो सब्जेक्ट थे वो कुछ इस तरह के थे। अगर बाद बाकी जो है नेटवर्किंग वगैरह का जो था वो भी ज़्यादातर उसमें प्रैक्टिकल बेस कुछ भी नहीं था। प्रैक्टिकल तो खैर अभी भी नेटवर्किंग में नहीं है, लेकिन अधिकतर आपके टॉपिक्स जो कि हैं वो सारे के सारे प्रैक्टिकल बेस्ड हैं, थ्योरी पर फोकस बहुत ही कम किया गया है। तो आइए समझते हैं कि क्या सिलेबस है और कैसे कवर करना है, क्या करना होगा, ये सारी बातें हम लोग इस डिस्कशन में कवर करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, वो हैंडल करने वाला जो है अपना वो एकमात्र दरअसल जेके इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो जेके इंस्टीट्यूट ही सब कुछ मैनेज करता है। और एकेडमिक सेशन 2020-21 का जो सिलेबस है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अपडेटेड सिलेबस। आइए देखते हैं अपना सिलेबस क्या है। तो मैं बीएससी कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ। तो बीएससी कंप्यूटर साइंस में ये जो सिलेबस है ये 3 पार्ट में डिवाइड है, बीएससी Part 1, Part 2 और Part 3। तो Part 1 और Part 2 और सिमिलरली Part 3 में डिवाइडेड है। तो जो Part 1 है वो ऐसा सिलेबस, मतलब बहुत देख करके खुशी होती है, जो सिलेबस है वो इस तरह से डिज़ाइन करा गया है कि अगर कोई एकदम ऐसा आदमी हो जिसको कंप्यूटर साइंस का कुछ भी नहीं पता वो भी सीख सकता है। इस तरह से सिलेबस को डिज़ाइन करा गया है कि आपने आज तक कंप्यूटर नहीं पढ़ा, कोई भी जो है आपको परेशानी नहीं है, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है, आप आराम से सारे सिलेबस को कवर कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, किसी भी तरह की आपकी कोई समस्या नहीं है। तो जो सिलेबस है वो Part 1, Part 2 और Part 3 का तीनों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और हर एक ईयर में 3 पेपर हैं, 1st, 2nd और 3rd 3 पेपर होते हैं, और प्रैक्टिकल वगैरह के जो मार्क्स वगैरह हैं उसके बारे में हम आगे की वीडियोस में बात करेंगे कि कैसे जो है मार्क्स डिवाइड है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी बातें हम लोग आगे भी कवर करेंगे। तो इस तरह से है, 3 पेपर आपको पूरे मतलब सिलेबस में जो एक पार्ट में 3 पेपर कवर करने होते हैं। आइए डिस्कस करते हैं कि वो कौन से पेपर हैं और क्या उनकी इम्पोर्टेंस है, क्या फ्यूचर में कोई यूज़ है कि नहीं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला जो Part 1 का पहला जो सिलेबस पहला पेपर है, पहले पेपर हुआ करता था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से, लेकिन उस पेपर को बदल करके बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स नाम दिया गया है।
और आइए देखते हैं कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस क्या है और क्या क्या बातें बता रहा है, क्या क्या चीज़ें उसमें पढ़नी है। तो देखिए भाई, जो पार्ट वन का सिलेबस है ये थोड़ा सा फिजिक्स से रिलेटेड होता है, क्योंकि जो कंप्यूटर साइंस का फंडामेंटल है वो अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक्स पर बेस्ड है। आपको भी पता है कि कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो पहले इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में समझाए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने जो मोस्ट ऑफ द सिलेबस है वो आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का है। सिलेबस तो आपका ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स का है। तो इसमें देखें तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक पार्ट हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। अब ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या पढ़ना है हमको? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अधिकतर चीज़ें हमको पढ़नी है डिजिट्स बेस्ड में, यानी कि जो भी चीज़ें हैं, मतलब आपकी गेट्स हैं, लॉजिक गेट हो गए, काउंटर हो गया, एडर सब्ट्रैक्टर, जितने भी डिजिटल डिवाइसेस हैं उनके बारे में बात किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स में अधिकतर ये पूरा जो पार्ट कवर करता है ये सेमीकंडक्टर वाले पार्ट को कवर करता है। अगर आप सिलेबस को ध्यान से देखें तो सेमीकंडक्टर में पीएन जंक्शन डायोड है, उसका कैरेक्टरिस्टिक है, रेक्टिफायर है, पुल बाईपोलर ट्रांजिस्टर है, पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर है। इसके बाद आगे का जो सिलेबस है वो आपका बुलियन अलजेब्रा है, नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम है, जो बेसिक सी चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाली वो सारी चीज़ें हैं। बहुत ही बेसिक सिलेबस है लेकिन बहुत ही मज़ेदार है, बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं आपको, और आपको अच्छा फील होगा जब आप इन सिलेबस को कवर करेंगे और सारे सिलेबस को पढ़ेंगे, आपको बहुत ही मज़ा आएगा और सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से आपको डील करोगे। सिलेबस ये जान लोगे, अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो ये सिलेबस आपको पढ़ना ही चाहिए, इसमें से कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है। और आपके चाहे गेट, नेट, जेआरएफ का एग्ज़ाम आप कभी दोगे तो उसमें ये सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। चाहे आप जो है अगर कोई सब्जेक्ट इसको कभी ऑप्शनल वगैरह में रखते हैं तब भी आपको बहुत ही काम देने वाला है। आपके फिजिक्स के ऑलमोस्ट टॉपिक को इलेक्ट्रॉनिक्स में जो पूछे जाते हैं उनको भी कवर करता है। तो ये कंप्यूटर साइंस का एक ऐसा सिलेबस है जो आपका चाहे फिजिक्स हो, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, चाहे आप अगर बीटेक के स्टूडेंट हैं तब भी आपको ये बहुत ही काम देने वाला है। अगर आप एमसीए करेंगे तो एमसीए में भी सारा का सारा सिलेबस आपको मिलेगा। तो हो सकता है कुछ पार्ट आपका एम्बेडेड सिस्टम वगैरह में चला जाए, लेकिन आपको पढ़ना सब कुछ पड़ेगा और बहुत ही जरूरी टॉपिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका पहला पेपर है जिसका नाम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो इसमें मैंने बताया कि ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जितनी भी चीज़ें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आती हैं, जैसे आपका नंबर सिस्टम हो गया, लॉजिक गेट हो गए, लॉजिक गेट को इम्प्लीमेंट करना हुआ, मल्टीप्लेक्सर हुआ, फ्लिप फ्लॉप हुआ, काउंटर हुआ, रजिस्टर हुआ, इन सब के बारे में इस बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में डिस्कस करा गया है। आगे का जो पेपर है आइए हम डिस्कस करते हैं, और वो जो अगला पेपर है वो आपका है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस। ये फंडामेंटल एक ऐसा पेपर है जो कि हर यूनिवर्सिटी के में होता ही है, क्योंकि अगर किसी चीज़ का आप जो है फंडामेंटल नहीं पढ़ते हैं इसका मतलब आपने क्या ही पढ़ा। तो जो फंडामेंटल है वो आपका मतलब बेसिक बातें हैं जिसमें आप फंडामेंटल पढ़ने के बाद प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट का जो प्री रिक्विजिट है, प्रोग्रामिंग सीखने के पहले का जो प्री रिक्विजिट है वो कवर करता है। आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को समझाता है, मेमोरी यूनिट को समझाता है, प्रोसेसर समझाता है। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे स्टोरेज के बारे में बताएगा, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट स्टोरेज हैं मेमोरीज में सारी चीज़ें आ ही जाती हैं स्टोरेज डिवाइसेस में। बेसिकली आपका ये कंप्यूटर साइंस का जो कोर पार्ट है, कोर फीचर्स है, उसको समझाता है। कोर फीचर्स का मतलब जैसे आपने ब्लॉक डायग्राम देखा होगा कंप्यूटर साइंस का, तो ये सीपीयू में आपका जो है मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट और लॉजिकल यूनिट की बात करते हैं, तो उन सब चीज़ों को कवर करता है। प्लस आपके जो सॉफ्टवेयर के बारे में सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट है, सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट और हार्डवेयर को पूरी तरह से ये क्या करता है, कवर अप करता है। जो कि आपको हर एक आदमी को, इंसान को, अगर वो कंप्यूटर साइंस का बेसिक भी, मतलब कंप्यूटर साइंस के बारे में कुछ भी पढ़ रहा है तो उसको जानना ही चाहिए। ठीक, तो बेसिक सॉफ्टवेयर्स क्या हैं, एप्लीकेशंस क्या हैं, और सीपीयू क्या है, रैम क्या है, रोम क्या है, बेसिक चीज़ें जो आप बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हो, ये सिलेबस आपको कोई भी दिक्कत करने वाला नहीं है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। आप बुक पढ़ें और थोड़ा सा आप जो है हम लोगों के साथ जुड़े रहें तो हम आपको ये सारी चीज़ें आपको कवर अप करवाएंगे। ठीक है,
तो फंडामेंटल ऑलमोस्ट बहुत ही बेसिक है, मतलब इस बार तो काफ़ी चीज़ें हट गई हैं। पहले जो है सिंक्रोनस डिवाइसेस वगैरह होती थी, बहुत सारी चीज़ें अब हट गई, फंडामेंटल पहले भी हुआ करता था लेकिन उन सब चीज़ों को हटा दिया गया है। अब देखो यार, अगर बात करें सबसे बेस्ट जो मेरा फेवरेट है और किसी भी प्रोग्रामर का जो फेवरेट सब्जेक्ट होता है वो यही होता है, जिसमें आपको समझना है प्रोग्रामिंग इन सी को समझना है। तो प्रोग्रामिंग इन सी में आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझनी हैं, जैसे आपको मैं बता दूं तो फ्लो चार्ट क्या है और सुडो कोड क्या है, स्टोरेज कैसे होता है, क्या चीज़ें कंप्यूटर साइंस में, मतलब प्रोग्रामिंग का एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद, जो प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आप इसमें पढ़ते हैं, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद ये जो आप आगे भविष्य में अगर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, चाहे वो जावा हो, सी प्लस प्लस हो, आपका फ्लटर डार्ट हो या आपका पाइथन हो, तो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पर आपको मिलेंगे। चाहे वो लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च का प्रोग्राम हो, चाहे सॉर्टिंग हो, चाहे जो है आपका रैंडम नंबर, प्राइम नंबर हो, यूक्लिड एल्गोरिथम हो, जीसीडी का हो, और स्टोरेज क्लास, और आपके स्टोरेज क्लास के अलावा स्ट्रक्चर्स, पॉइंटर्स, डेटा टाइप ऑपरेटर्स, फाइल एंड पॉइंटर्स के बारे में हो, तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट ये कवर करता है। जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के होते हैं वो ये प्रोग्रामिंग इन सी आपका कवर करता है, और बहुत ही अच्छा होता है ये। मतलब आपका समझ लो कि आप चाहे बीटेक करो, एमटेक करो, अगर कुछ लोग एमबीए कर रहे होंगे तो एमबीए का भी सिलेबस यही सेम होता है, एमसीए करते हैं, एमसीए में भी ये सिलेबस, बीसीए में भी होता है, बीएससी कंप्यूटर साइंस में भी होता है। हमेशा लोगों का सवाल होता है कि सर ये सी करता क्या है, तो सी में से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, ऐसा नहीं। और इंडस्ट्री में जो सी की मांग है वो बहुत ही हाई है। कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितनी आगे बढ़ जाए, चाहे अभी आजकल के समय में लोगों को लग रहा है कि पाइथन इज मोस्ट पॉपुलर एंड वाइड यूज, तो भाई यूज़ तो किया जा रहा है लेकिन इस पाइथन और फ्लटर डार्ट इन सब, मतलब अधिकतर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नाउ ट्रेंडिंग, वो सारी क्या है सी और सी प्लस प्लस में लिखी हुई हैं। तो ये चीज़ ही लोग ध्यान नहीं देते हैं और कहते हैं कि सी से क्या कर पाएंगे, क्या ही कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है यार। देखो ऐसा है कि आप जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ रहे हो, उसके जन्मदाता कौन है? हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी। और जो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है इससे अच्छा कोई बेहतर तरीके से नहीं समझा पाता है, क्योंकि इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं, तो मिडिल लेवल होने के बाद में ये हार्डवेयर को भी कवर अप करता है, हार्डवेयर कॉन्सेप्ट को भी समझाता है और सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट को भी समझाता है। तो अगर आप प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो इसको आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं, या कंप्यूटर साइंस आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो इस वजह से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और सभी को प्रोग्रामिंग इन सी पढ़ना ही चाहिए। अगर आप कंप्यूटर साइंस में थोड़ा सा भाई आपके अंदर आप जो है मतलब कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको प्रोग्रामिंग इन सी पढ़ना ही चाहिए।